Hello guys, welcome to Gorpub channel. Today in this video, I am going to discuss detailed explanation of the physics questions from question of the day 14. So, I request you to watch this video solution till end. If any doubt, queries regarding, if you not understood the solution, you can text me in the comment section. And if you like the video, don't forget to hit the like button. See you in the next video, okay? This question is from question of the day 14. This is the first question. First, I'll read the question. As the question says, a wheel is rolling on a straight ground without slipping. And if the axis of the wheel has a speed V, the instantaneous velocity at a point P on the rim defined by angle theta related to the ground will be. So, this question ka diagram aapko aap screen pe dikhega. So, अब जैसे डायग्राम में देख सकते हो, तो हमें पूछा है उस पॉइंट पी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब वो जो हमारा व्हील है वो रोल कर रहा है तो कैसे निकालेंगे उसको। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट में उसको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा, आंसर निकालना बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वो क्वेश्चन के अलावा जो दूसरे क्वेश्चन है जो उसी जैसे हैं वो भी आपका हो जाएगा। तो ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो एज यू नो, रोलिंग मोशन इज अज्यूम टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल मोशन। हमें मालूम है कि जो रोलिंग मोशन होता है वो प्योर ट्रांसलेशनल और प्योर रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अब देखोगे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में, तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी, चाहे वो ऊपर वाला पार्टिकल हो, चाहे वो सेंटर का पार्टिकल हो, चाहे वो बॉटम का पार्टिकल हो, चाहे इधर का पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो, सबका वेलोसिटी वी रहता है, सेम रहता है और सब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर हम रोलिंग मोशन की रोटेशनल मोशन की बात करें, तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जो सेंटर का पार्टिकल होता है वो फिक्स होता है और जो साइड के पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो ये नीचे जाएगा और ये पीछे जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये आगे जाएगा, ये इनकी वेलोसिटीज होगी इन रोलिंग मोशन। यहाँ मैं आर लिख दिया रोलिंग के लिए और यहाँ पर मैं टी लिख देता हूँ ट्रांसलेशन के लिए, हर एक जगह पे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, इन दोनों को मैं एक सुपर इम्पोज कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा कि जो ऊपर वाला का दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी मुझे मिलती है प्योर रोलिंग के केस में वो क्या होती है, टू टाइम्स होती है, दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ टू टाइम्स वी मिलेगा। अगर मैं बोलूँ कि दोनों वी सेम है, तो यहाँ ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट में जो वेलोसिटी होता है टू टाइम्स ही होता है। अगर मैं बोलूँ सेंटर की बात करूँ, तो सेंटर में क्या वेलोसिटी होगा, यहाँ पर क्या है वी और यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सेंटर की वेलोसिटी वी मिलेगी। अगर मैं बॉटम वाले पार्टिकल की बात करूँ, देखो इसकी वेलोसिटी आगे और इसकी वेलोसिटी पीछे, तो ये जो बॉटम मोस्ट की वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पर वी इक्वल टू जीरो होता है। और ये कंडीशन है प्योर रोलिंग मोशन में, प्योर रोलिंग होता है जो बॉटम का पार्टिकल होता है वो मूव नहीं करता, वो रुका रहता है, रेस्ट पर रहता है। ठीक है, बट अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा है एट पॉइंट पी, अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट का वेलोसिटी बताइए जहाँ पर एंगल एस एक्सिस से थीटा है, तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगा। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप सपोज करो इस पॉइंट की बात करूँ मैं, यहाँ पर जो है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसका वेलोसिटी कैसे निकालूँ इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी आप देखो यहाँ पर तो ट्रांसलेशन में तो आगे जा रहा है, तो आगे की तरफ वी टी। अगर प्योर रोलिंग की बात करें तो नीचे जा रहा है, नीचे वी आर। अब दोनों का अगर दोनों वेलोसिटीज है, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, कहीं बीच में होगा ऐसा, तो ये मेरा होगा रोलिंग मोशन में वेलोसिटी, वेलोसिटी एट रोलिंग मोशन। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कभी भी अगर वेलोसिटी निकालना है तो बस मुझे ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्योंकि देखो एंगल 90 है ना, अगर ये वी है और ये वी है, और क्योंकि देखो ये दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ये मेरा हमने पढ़ा ये फॉर्मूला कि दो वेक्टर्स है और अगर उनके बीच में एंगल 90 है तो रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होता है, रूट टू टाइम्स ऑफ, तो इसका वेलोसिटी जो है रूट टाइम्स ऑफ वी हो जाएगा। ठीक है, बट अगर इसके लिए भी ये पॉइंट होगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का भी सेम क्वेश्चन में यही पूछा गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक वेलोसिटी, तो आपको मैं इसके डायग्राम को वापस से ड्रॉ करता हूँ, बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। अगर मुझे क्वेश्चन ये पूछा है, एक मिनट मैं चेंज कर दूँ, हाँ देखो मैं इस डायग्राम को बड़ा बनाता हूँ,
आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ठीक है, ये सेंटर बना था और ये पॉइंट पी लिया था क्वेश्चन, और ऐसे डैश डैश करके एंगल थीटा बोला था, और बोला था कि इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए जब ये क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग मोशन है, यहाँ पर रोलिंग हो रहा है प्योर, जब रोलिंग हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। बट वो इसकी कितनी होगी, वी होगी, अगर मैं सेंट्रल मास की, यहाँ पर सेंट्रल मास का बोला वी ना, तो ये वी है एक्सिस का, और इसका क्या होगा, टू बी होगा। अलॉन्ग द लेंथ आप ऐसे निकाल सकते हो, बट क्वेश्चन है कि इस रिम का बताओ वेलोसिटी कहाँ पर तो कितना होगा, तो यहाँ पर आपने निकाला, यहाँ पर 90 एंगल था उनके बीच में, तो यहाँ पर कितना एंगल होगा वो पता करना पड़ेगा। तो वो कैसे पता कर सकते हैं आप एंगल, देखो आप पहले अभी देखो कि जब भी प्योर रोटेशनल मोशन होता है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ पर होता है, प्योर रोटेशनल में वेलोसिटी का डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट होता है वी आर रोटेशन। ठीक है, अगर आप बोलो कि प्योर ट्रांसलेशन होता है इसका, तो उसका प्योर ट्रांसलेशन का डायरेक्शन कहाँ पर होता, ऐसा वी टी। अभी दोनों के बीच में एंगल निकालो और दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा, तो इसमें एंगल है कितना। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं थोड़ा आगे तक, तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर मैं अगर बोलता हूँ कि ये एंगल मेरा अल्फ़ा है, तो आपको मिलेगा अल्फ़ा प्लस थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि शुरू तो 180 होता है, भाई 90 है ना, तो 180 से 90 माइनस कर दूँगा तो अल्फ़ा प्लस थीटा हो गया मैं 90। इसको मैं इक्वेशन बोल देता हूँ। और मैं अगर मैं देखो आपको ये भी पता है कि अगर मैं इस एंगल को मान लूँ, जो मुझे निकालना है इसको मान लूँ कि एक्स है, तो एक्स प्लस जो आपका अल्फ़ा है वो कितना है, 90, क्योंकि टेंजेंट तो 90 होता है। तब इसको इक्वेशन टू बना लो, आपको क्या कर रहे हैं, अब देखो दोनों साइड को आप इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि दोनों का साइड 90 है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा होगा इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस अल्फ़ा होगा, तो आपका अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा यहाँ से, आपको मालूम पड़ेगा जो आपका एक्स है वो थीटा है, मतलब ये जो एंगल है यहाँ पर वो थीटा है जो यहाँ पर है, तो आपको मालूम पड़ेगा एंगल कितना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिजल्टेंट निकालना है, वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा दिया वेक्टर्स में, वो क्या होता है, ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर दोनों जो वी रिजल्टेंट मतलब रोलिंग मोशन का मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वो निकालने के लिए जैसे ए बी था वहाँ पर ए और बी के जी पे क्या रहेगा, अब दोनों जब ए बी वी है, ए बी वी है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ए और बी के जगह पर टू टाइम्स ए बी, तो वी स्क्वायर ए इंटू बी, ए इंटू बी करूँगा तो वी इंटू बी करूँगा तो वी स्क्वायर जाएगा, फिर यहाँ पर है कॉस थीटा, अब यहाँ पर एंगल थीटा है तो वेक्टर्स की एंगल थीटा आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इसको ऐड कर दीजिए, फिर कॉमन निकाल लीजिए, ज़्यादा कैसे देखिए, टू वी स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर भी बनेगा, कॉमन निकल लेगा, वन प्लस कॉस थीटा आएगा, अब वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है आप देख सकते हैं, वन प्लस कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं भी पता था, अभी वो याद कर लीजिए सारे फॉर्मूला, वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला बनता है। टू से देखो अभी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा टर्म्स, तो आपका ये बना। अब इसको अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा तो मुझे मिलेगा वो है वी रोलिंग इज इक्वल्स टू टू वी कॉस थीटा बाई टू, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सो इन द सेकेंड क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू मासेस M1 M2, इसका मास 1 kg इसका मास 2 kg, कनेक्टेड बाय इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग सस्पेंडेड बाय द मीन्स ऑफ अ वेटलेस पुली एज़ शोन इन द फिगर, अज्यूमिंग दैट द मासेस बोथ द मासेस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, दोनों इनिशियल रेस्ट पर थे। तो अब क्या होगा, हमें पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये कि आपको पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। हमें नहीं पता सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन कितना है, हमें तो ये भी नहीं पता है कि इनका एक्सप्रेशन कितना है। तो आप इसे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में क्वेश्चन किया ऐसा वाला, जिसमें क्या होता है कि पुली रहता है, दो मासेस रहते हैं, हमें मतलब ये हैवी वाला मास है ये लाइट वाला मास है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो सिस्टम है ये ऐसे एक्सेलरेट करेगा विद नेट एक्सेलरेशन ए, तो हमें नेट एक्सेलरेशन ए निकालना होता है। तो अभी उसमें तो हम लोग टेंशन मतलब नीचे M2 जी लगाते हैं, ऊपर टेंशन लगाते हैं, फिर नेट सब्ट्रैक्ट करते हैं, इजी को स्टेम में बोलते हैं, पर अभी मैं इतना
लंबा ले जाऊंगा तो बहुत ही लंबा सोल्यूशन हो जाएगा। तो शॉर्ट में एक फॉर्मूला है यूनिट एक्सेलरेशन का, है वो है एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू टाइम्स जी। ये फॉर्मूला तब लगाना जब आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना हो और दो मासेस दिए हो। तो इसमें मैं नेट एक्सेलरेशन निकाल लूँगा जिससे पूरा सिस्टम मूव करेगा, तो वो क्या होगा, टू माइनस वन, यहाँ पर टू आएगा, यहाँ पर वन, तो ये आ जाएगा टू माइनस वन वन अपॉन टू प्लस वन थ्री टाइम्स जी। तो मुझे नेट एक्सेलरेशन मिल गया कि मैं नेट एक्सेलरेशन कितना है, जी जी बाय थ्री। बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, क्वेश्चन अभी भी बाकी है। अभी आपको मालूम पड़ गया कि नेट एक्सेलरेशन से मतलब ये इतने वाले से नीचे आएगा, इतने वाले से ऊपर आएगा, तो आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। वो निकालोगे कैसे, आप देखो जैसे हम लोग करते ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, तो वैसे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने क्या करेंगे, टोटल मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे, मास ऑफ एम वन एक्सेलरेशन ऑफ एम वन प्लस मास ऑफ एम टू एक्सेलरेशन ऑफ एम टू। ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर एम जो टोटल मास है वो क्या एम वन प्लस एम टू आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ऐसे बनेगा एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि जो मास है फर्स्ट केस में तो एम वन वन के जी मास है, तो इसका एक्सेलरेशन को अगर मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव लूँ तो मुझे नीचे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, किसी एक को तो मुझे पॉजिटिव नेगेटिव देना पड़ेगा, तो मैं ऐसे बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे वाले को लेता हूँ पॉजिटिव और ऊपर वाले को लेता हूँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है एक्सेलरेशन, इसका ए का वैल्यू कितना है, जी बाय थ्री, इसके दोनों का एक्सेलरेशन सेम है बट डायरेक्शन भी मास से अलग अलग है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका आ जाएगा जी बाय थ्री ए की जगह पर वैल्यू, और यहाँ पर आएगा माइनस साइन। और दूसरे वाले का देखो तो यहाँ पर मास इसका टू है और इसका एक्सेलरेशन में जी बाय थ्री होगा, और टोटल मास कितना है दोनों का, वन प्लस मास तो डायरेक्टली ऐड होता है, मास को साइन तो रहता नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा थ्री। नाउ आपको क्या करना है, अब ये कट जाएगा, ये जी बाय थ्री बचेगा अपॉन थ्री आएगा, तो जो एक्सेलरेशन सेंटर मास होगा जी बाय नाइन बनेगा आपका वैल्यू। अब जी का वैल्यू इसने क्या बोले, टेन लेने के लिए, तो अभी हम लोग लेते हैं इसका वैल्यू को टेन, पर अभी मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन सेंटर मास मिल गया, वो क्या है एक्सेलरेशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेलरेशन सेंटर मास है जी बाय नाइन। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक्सेलरेशन सेंटर मास मिल गया, मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस चल इन टू सेकेंड्स, तो मेरे रेस्ट है उसने बोला है, तो सेकंड काइनेमेटिक लगा सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ, यहाँ पर क्योंकि डिस्टेंस सेंटर मास का पूछा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन सेंटर मास लगाएंगे इंटू टी स्क्वायर। अब इसमें इसके इसको इसको मैं अगर आगे फॉरवर्ड करूँ तो मेरा क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू ये तो इनिशियल रेस्ट है तो जीरो हो जाएगा, ये बनेगा हाफ, अगर मैं एक्सेलरेशन में ऑलरेडन होते वो कितना है जी बाय नाइन इंटू टू का स्क्वायर, जो क्या होगा फोर, मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ तो मैं एस क्या बनेगा यहाँ पर, वो होगा हाफ जी के वैल्यू में डालता हूँ टेन अपॉन नाइन और टू का स्क्वायर होगा फोर, इससे कट जाएगा बचेगा टू, ये आएगा ट्वेंटी बाई नाइन मीटर्स। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है।